तो तो चलिए दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वालिटी मैट्रिक्स ठीक है हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन ठीक है तो लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया अगर वो वीडियो आप देख लोगे ना तो ये एक्सरसाइज ऐसे 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 छुटकी में बन जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते थे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन वन में क्या बोल रहे हैं बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है टू फाइव नाइनटीन माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू फाइव बाई टू टू थ्री वन माइनस फाइव सेवनटीन ठीक है तो इसका आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है ठीक है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है पहला क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीसरा राइट द एलिमेंट्स ठीक है एलिमेंट्स आपको लिखना है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो होते हैं टल लाइन्स ये रो होते हैं तो इसमें रो कितने एक दो तीन रो है कॉलम कितने हुए? एक दो तीन चार ठीक है तो इसमें तीन रो चार कॉलम होंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एम इंटू एन एम हमको रो रो के लिए होता है और एन होता है कॉलम के लिए तो, तो रो हमारा कितना है थ्री और कॉलम कितना एक दो तो तीन चार तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया थ्री इंटू तो फोर ठीक है अब चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं जैसे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा जैसे एम एन टू एन ठीक है तो एम एन टू एन कर दिया मैंने तो ट्वेल्व आ गया तो अंदर में दिखे ट्वेल्व एलिमेंट्स है ये जो मैं जिस तरह लिख रहा हूं अगर आप सेम टू सेम अगर बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे ना ट्वेल्व के बोर्ड में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ठीक है आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि मेरा नोट्स एकदम अच्छा है भले आपको कभी समझ ना आए कोई क्वेश्चन ठीक है लेकिन जो मैं नोट्स जो मैं जिस तरह से लिखा हुआ हूं ना प्रेजेंटेशन जो मेरा है ना अगर वो आप खुद प्रेजेंटेशन सेम टू सेम दे दीजिएगा ना तो आप नंबर नहीं कटेंगे ठीक है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन देख लीजिए थोड़ा ठीक है तो चलिए अब अब क्या बोला था हमको क्वेश्चन नंबर थ्री में कि हमें एलिमेंट्स का नाम लिखना है ठीक है तो मैंने बताया था कि नाम कैसे लिखते हैं देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं ए वन वन ठीक है यानी कि फर्स्ट में रो सेकेंड में कॉलम ए वन वन ये ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर हो जाएगा ठीक है तो ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तो इसमें सॉल्व करके सिर्फ दिखाता हूं तो ए वन थ्री क्या हो गया वन क्या हो गया रो हो गया और थ्री कॉलम मतलब फर्स्ट रो और थर्ड नंबर पे आना चाहिए फर्स्ट रो और कॉलम थ्री ठीक है देखिए फर्स्ट रो कॉलम थ्री में क्या है नाइनटीन है तो ये हो गया फिर ए टू यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है थर्टी फाइव है फिर देखिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में क्या है ट्वेल्व है हमारा ठीक है ट्वेल्व हो गया फिर देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना है फाइव बाई है ठीक है तो फाइव बाई हम लोगों ने लिख लिया ए थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है माइनस फाइव है माइनस फाइव तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है बहुत ही इजी था ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं बुक से पढ़ के बता दे रहा हूँ ठीक है अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं कंप्यूटर से वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है ठीक है अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ठीक है आराम से बता दे रहा हूं अभी नया नया स्टार्टिंग चैनल है चलिए लेकिन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ठीक है ये मत समझिए कि नया नया चैनल तो आलतू फालतू तो बता के चल गया एक भी मैं गलत नहीं बताऊंगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है इफ ए मैट्रिक्स ठीक है एक मैट्रिक्स है कितना एलिमेंट है उसमें ट्वेंटी फोर एलिमेंट है वाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इफ इट हैज एलिमेंट्स मतलब बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्वेंटी फोर एलिमेंट है ठीक है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ऑर्डर मैंने बताया था एम एन टू एन ठीक है कि, कैसे कितने ऑर्डर हो सकते हैं और उसमें अगर थर्टीन एलिमेंट हुआ तब क्या होगा तो चलिए आपको एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ समझाते हैं जिस तरह बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा तो चलिए क्या दिया हुआ है एलिमेंट ठीक है लिख लेंगे स्टेटमेंट को मैट्रिक्स का ट्वेंटी फोर एलिमेंट ठीक है then possible order क्या हो सकता है ट्वेंटी तो पहला क्या हो सकता है एक रो हो सकता है उसी में चौबीस एलिमेंट हो सकते हैं ठीक है दूसरा क्या हो सकता है चौबीस रो हो सकते हैं और एक एक एलिमेंट्स का हो सकता है अब मैं आपको प्रेजेंटेशन देखे तो नहीं रुकी एग्जाम्पल देख समझाता हूँ तो मैंने आपको बताया था जैसे एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इन टू एन से ही निकलेगा ना तो हमारा देखिए एम क्या हो जाएगा रो ये क्या हो जाएगा कॉलम तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक ही रो है ठीक है ये देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा एक ही रो में चौबीस एलिमेंट आ जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्वेंटी फोर तक ठीक है या फिर एक ही कॉलम हो सकते हैं देखिए एक ही कॉलम में वन टू थ्री फोर ट्वेंटी फोर आ सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन इंटू ट्वेंटी फोर ये देखिए सॉरी ट्वेंटी फोर रो बनेंगे एक दो तीन चार इस तरह करके कर ट्वेंटी फोर रो और एक कॉलम और इसमें कितना वन रो वन रो और ट्वेंटी फोर कॉलम ठीक है तो इस तरह करके हम बहुत सारे बना सकते हैं जैसे क्या क्या है पॉसिबल पहला तो वन इंटू ट्वेंटी फोर एक रो चौबीस कॉलम दूसरा चौबीस रो एक कॉलम ठीक है तीसरा क्या दो रो और बारह कॉलम्स ठीक है दो रो बन सकते हैं जिसमें बारह बारह एलिमेंट बारह बारह कॉलम्स रहेंगे ठीक है फिर सेकेंड क्या बना सकते हैं हम ट्वेल्व इंटू टू ठीक है आप खुद मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हो कि ट्वेंटी फोर कैसे आ सकता है मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है ठीक है आपको ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है कैसे कैसे कर सकते हो आप वन इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू वन टू इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर मतलब ठीक इस तरह आप लिख सकते हो और फर्स्ट वाला क्या रो सेकेंड हमारा कॉलम ठीक है तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है आपका देखिए सेकंड पार्ट में हमारा क्या बोलता है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू का हमारा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है तो देखिए आपको दिखा देता हूं सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज थर्टीन एलिमेंट्स क्या होगा जब उसके पास थर्टीन एलिमेंट्स होंगे तो देखिए उसके पास अगर मैट्रिक्स हैज थर्टीन एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर आर वन इंटू थर्टीन और थर्टीन इंटू वन अगर उस मैट्रिक्स के पास थर्टीन एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते दो ही या तो वन इंटू थर्टी और थर्टीन इंटू वन तो आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि आपको क्या दिख रहे हो क्या दिख रहा है देखिए अगर ये इवन नंबर में आ रहा है तो बहुत सारे उसके मैट्रेक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे बन रहे हैं और जब इवन आ, आ रहे हैं तो सिर्फ सॉरी ऑर्ड आ रहा है तो उसमें सिर्फ दो ही बन रहे हैं ठीक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इवन आता है तो उसमें बहुत सारे बनते हैं तो ठीक है तो आप देख सकते हो खुद जज भी कर सकते हो कि अगर इवन इवन आ रहा है तो उसके बहुत सारे मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे तो आप ये देखकर भी जज कर सकते हो कि देखिए अगर ऑर्डर रहा तो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कम आएंगे और इवन रहा तो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादा आएंगे ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री भी एकदम सेम टाइप का है देखिए क्वेश्चन नंबर टू के जैसा ही है देखिए उसमें क्या बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ एटीन एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स के पास एटीन एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे ठीक है और वाट इफ इट हैज़ फाइव एलिमेंट और अगर फाइव एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे तो ये भी क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसा ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ ठीक है या तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा आप डायरेक्ट क्लिक करके क्वेश्चन नंबर फोर में पहुंच सकते हो या स्किप कर सकते हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स हैज एटीन एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर सर के लिखने का तरीका है हम डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ ठीक है तो कैसे लिखेंगे इफ मैट्रिक्स हैज एटीन एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर सर वन इंटू एटीन एटीन इंटू वन टू इंटू नाइन नाइन इंटू टू थ्री इंटू सिक्स सिक्स इंटू थ्री ठीक है इसके अलावा और कुछ बन रहा है देखिए फर्स्ट रो एटीन कॉलम या एटीन रो वन कॉलम टू रो नाइन कॉलम नाइन रो टू कॉलम थ्री रो सिक्स कॉलम सिक्स रो थ्री कॉलम ठीक है तो आप देख रहे हो यहाँ पर इवन आ रहा है इसलिए हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादा बन रहे हैं अब ऑर्ड आया तो ऑर्ड में क्या हो सकते हैं कुछ कम बन सकते हैं चलिए चलिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा था कि अगर फाइव एलिमेंट्स होंगे तब उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे इफ मैट्रिक्स एज फाइव एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डरस आर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे थोड़ी यहाँ गलती हो गई मुझसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर क्या हो गया पहला फाई, फाई वन इंटू फाइव दूसरा फाइव इंटू वन ठीक है मैंने क्वेश्चन नंबर टू में भी बताया था कि जब इवन नंबर में एलिमेंट्स जब ऑड नंबर में एलिमेंट्स दिए हों तब हमारा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कम आएगा जैसे देखिए इस केस में वन इंटू फाइव और फाइव इंटू वन उस केस में भी थर्टीन एलिमेंट्स थे क्वेश्चन नंबर टू में तो उसमें भी हमारी थर्टीन इंटू वन और वन इंटू थर्टीन आए थे ठीक है तो इसी तरह करके बना सकते हो अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रहा है अब थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक है देख क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ठीक है कंस्ट्रक्ट करना है टू इंटू टू मैट्रिक्स ठीक है हमें टू इंटू टू मैट्रिक्स बनाना है ठीक है इसमें ए हमारा दिया हुआ है ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे ए आई जे आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में ठीक है लास्ट वीडियो आप दक, जाकर देख सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो से ठीक है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था उसमें मैंने बताया था कि आप पोजीशन को कैसे जज कर सकते हो पोजीशन को जज करने का तरीका है ए आई जे ठीक है इसको पोजीशन को आप ए आई जे फॉर्म में लिख सकते हो तो आई हमारा हो गया रो और जे हो गया हमारा कॉलम ठीक है तो अब इसको सॉल्व कैसे करते क्वेश्चन नंबर वन में आप देखिए क्या दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर इक्वल टू बाई टू ठीक है इसको फॉर्मूला दिया हुआ है ठीक है आपको इसे मैट्रिक्स बनाना है तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है टू इंटू टू क्वेश्चन में दिया हुआ है दो इंटू दो है दो रो और दो कॉलम होने चाहिए तो फर्स्ट रो में देखिए ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं ए वन वन यानी कि ए आई जे आई हो गया हमारा वन जे हो गया हमारा कॉलम ठीक है तो ए वन वन सेकेंड टू ए वन टू ठीक है फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ए टू वन और सेकेंड में ए टू टू ठीक है इस तरह हम लोग लिख लेंगे पहले ये हमारा मैट्रिक्स मान लिए लेट लेट ए इक्वल टू हमने ये मैट्रिक्स मान लिया ठीक है फार्मूला जो दिया हुआ हम उससे सॉल्व कैसे करेंगे तो फार्मूला हमारा दिया हुआ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाय टू अब हम इस पोजीशन में उस नंबर को रखेंगे जैसे आई में हमारा वन है और जे में वन तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वन वन आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू भी वन ठीक है वन प्लस वन टू का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर बाय टू 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 कर टू तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया ए वन वन कितना ए टू अब इसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड में हमने टू रखा तो हमारा क्या हो गया वन प्लस टू का स्क्वायर बाई टू इक्वल टू नाइन बाई टू आ गया हमारा ठीक है अब थर्ड में देखिए तो चलिए हमने दो एलिमेंट्स निकाल लिया था ए वन वन ए वन वन और ए वन टू निकाल लिया था अब ए टू वन निकालते हैं ठीक है थीके? तो टू भरा हमने आई में वन भरा जे में ठीक है तो टू प्लस वन का स्क्वायर बाय टू यानी कि थ्री थ्री जा नाइन बाय टू ठीक है तो A1, और A2, हमारा सेम आ गया फिर ए टू 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 प्लस टू स्क्वायर बाई टू सिक्स टू एट तो, तो हमारा मैट्रिक्स ए आ गया हमारा क्या टू नाइन बाय टू नाइन बाय टू मैट्रिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर फोर हमारा फोर का फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व और सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है ठीक है सेकेंड पार्ट में हमको अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ फोर का हमारा ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे दिया हुआ तो है ठीक है तो फर्स्ट निकालते एलिमेंट लेकिन एक बात मान लीजिए पूरा क्वेश्चन में हमें टू बाई टू का ही मैट्रिक्स बनाया तो एक बार आप लेट ए कर लोगे ना तो उसी में आप बार बार भर सकते हो ठीक है तो चलिए अब हमारा ए टू वन क्या हो गया टू बाय इक्वल टू टू ए टू टू क्या हो गया टू बाई टू इक्वल टू वन तो हमारा सेकेंड नंबर का मैट्रिक्स क्या आया वन वन बाई टू टू वन ठीक है तो हमारा सेकंड नंबर का भी मैट्रिक्स आ गया फोर का टू ठीक है तो फोर का थ्री करने से पहले एक बार बता दे रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मूटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आकर इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हो ठीक है अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो या स्टोरी पर मैंशन कर सकते हो वैसे तो मैं नया नया हूँ ठीक है तो इंस्टाग्राम पर मैं उतना ऑनलाइन रहता नहीं हूँ ठीक है फिर भी आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको आंसर जरूर रिप्लाई ज़रूर करूंगा आंसर बाकी आलतू फालतू खेली तो किसी के पास टाइम नहीं रहता वो आप जानते हो ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है फोर का थ्री में ए आई जी दिया हुआ है इक्वल टू आई प्लस टू जे का स्क्वायर बाई टू ये फॉर्मूला दिया हुआ है अब तो आप मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन नंबर वन ही देखकर आप समझ गए होगा कैसे बनाना है आप तो ये वीडियो देख भी नहीं रहे हो फिर भी मेरा काम है बताना ठीक है क्योंकि कुछ बच्चे को जल्दी से समझ में नहीं आता है लाइक मैं मैं बता रहा हूँ लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आता था ठीक है एक बार बनाने के बाद मुझे समझ में आता है ठीक है तो कोशिश कीजिए आप खुद से बनाने का ठीक है तो चलिए इसमें फार्मूला में पुट, पुट करूंगा वन वन ठीक है वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर बाई टू नाइन बाई टू ठीक है ए वन टू वन प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर बाय टू इक्वल टू फाइव स्क्वायर बाई टू ट्वेंटी फाइव बाई टू आ गया ठीक है अब देखिए ए टू वन टू प्लस टू का स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सिक्सटीन बाई टू इक्वल टू एट ए टू 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 प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर बाय टू थर्टी सिक्स बाई टू एटीन इक्वल टू हिजना गया हमारा तो मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया ए नाइन बाई टी फाइव बाई टू एट एटीन ठीक है चलिए और कुछ अगर चाहिए होगा आपको और किसी चीज के बारे में वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ठीक है मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में बढ़ते हम तो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव भी उसी टाइप का दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन वाला ही ठीक है लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन में हमारा कौन सा मैट्रिक्स बनाना है थ्री इंटू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है थ्री इंटू बनाना है हमें ठीक है तो हमारा एलिमेंट्स ठीक है तो उसका एलिमेंट्स किस प्रकार से दिया हुआ वही फॉर्मूला आपका दे दिया है ठीक है लेकिन एक चीज देखिए मॉड्युलस दिया हुआ है ठीक है तो थोड़ा समझ में आएगा बनाने में थोड़ा चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि आप मान लीजिए लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स मान लीजिए तीन रो क्योंकि ये थ्री इन फोर की मैट्रिक्स है ठीक है यानी कि तीन रो और चार कॉलम है तो तीन रो देखिए एक दो तीन मैंने नंबरिंग कर दिया एग्जाम में आप नंबरिंग नहीं करो तो ही बेहतर रहेगा क्योंकि हो सकता है टीचर को ख़राब लगे देखने में ठीक है वो आपके नंबर काट दे ठीक है तो मैं समझाने के लिए यहाँ नंबरिंग किया था आप ऊपर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं ठीक है तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है थीके? आप नंबरिंग नहीं करोगे ना तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है देखने में ठीक है लगता है कि हाँ ये बच्चा है पढ़ने वाला तो वो टीचर की मानसिकता तो आप जानते हो हो गया हम सब तो समझ समझिए स्टूडेंट्स ही हैं कॉलेज लाइफ स्टूडेंट स्कूल लाइफ स्टूडेंट बात तो वही है कि कॉलेज लाइफ में जाने वाले हो आप लोग ठीक है तो चलिए तो नंबरिंग करना मैंने बता दिया था क्या होता है ए वन वन ए वन टू यानी कि रो पहले आएगा रो का प्लेस पहले और कॉलम का बाद में ठीक है तो पहले रो सब में ए वन वन भर दिया पहले फिर देखिए कॉलम वन टू थ्री फोर यानी कि आप नंबरिंग कर लो खुद से भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं एक बार देख लो खुद से ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर ठीक है हो गया तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए लास्ट में आपको बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए आपको ठीक है फॉर्मूला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने समझाया है चलिए क्योंकि आगे काम आएगा क्वेश्चन नंबर ठीक है तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट करते हैं ठीक है तो देखिए हमारा वन वन मैट्रिक्स ए वन वन निकालना है यानी कि ए वन वन तो हम आई और जे में वन वन पुट कर देंगे ठीक है हाफ इंड माइनस थ्री आई कितना था वन है हमारा जे हमारा कितना है वन ठीक है तो यहाँ देखिए पुट किया मैंने इसको सॉल्व करने के बाद अब आप देख लीजिए मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस के अंदर हमारा क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है ठीक है तो माइनस थ्री इंटू वन कितना होगा थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू होगा तो मॉड्यूलस के बाहर मैंने निकाला टू मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ठीक है आप मॉड्यूलस के अंदर तो सॉल्व कर सकते हो अब इतने भी बच्चे नहीं हो होंगे सॉल्व नहीं कर पाओगे मॉड्यूलस के अंदर प्लस माइनस वाला अब इस पर भी बच्चे अगर इस पर भी आप लोग कमेंट करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब इसी को सॉल्व करता हूँ आगे वन टू की निकाला मैंने वन टू तो आई में हमारा क्या आई में मैंने भरा यहाँ पर वन जे में टू भरा मैंने फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा वन बाई टू आया ए वन थ्री में वन भरा फिर थ्री भरा ठीक है जीरो आया हमारा सॉल्व करने के बाद ए वन फोर में हाफ फार्मूला लिखा माइनस थ्री ठीक है इन वन यहां वन टू वन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि देखिए अब बार बार वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आप हम खुद की वैल्यू वापस करिए ठीक है और यहाँ पर फोर मैंने भर दिया जी में फॉर्मूला के अनुसार ठीक है जैसा फॉर्मूला है क्योंकि फॉर्मूला दिया उसी के हिसाब से बनाना है तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन ए वन फोर ठीक है वन बाय टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस फोर ठीक है इक्वल टू हाफ हो गया सॉल्व करने के बाद फिर ए टू वन ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है मतलब आपको कैलकुलेशन करने में ये आपको एग्जाम में दे सकता है ठीक है छह नंबर में दे सकता है क्या पता दे दे उसका मन करे तो कुछ भी हो सकता है कि भरोसा नहीं आजकल कब रूल चेंज होता था पता भी नहीं चलता है ठीक है तो पढ़ के रखिएगा आप कैलकुलेशन करने में हिचकिचाई नहीं तो ए टू वन वन बाई टू अब देखिए यहाँ पर टू वन है तो हम रॉ में टू भरेंगे कॉलम में वन ठीक है उसको सॉल्व किया फाइव बाई टू आया फिर टू 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 इसको भरा मैंने टू आया ए टू थ्री को मैंने वैल्यू पुट की आईजी में फिर सॉल्व करने के बाद थ्री बाई टू आया ठीक है टू फोर का कितना आया सॉल्व करने के बाद वन आया ठीक है चलिए ए थ्री वन हमारा क्या हाँ तो चलिए हमने ए टू थ्री ए टू फोर तक निकाला था अब ए थ्री वन में क्या है हमारा वन बाय टू तो वैल्यू मैंने पुट किया अब देखिए यहाँ पर थ्री है रो थ्री कॉलम वन तो थ्री प्लस वन एम आईस थ्री इंटू थ्री प्लस वन तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फोर आया फिर ए थ्री टू को वैल्यू पुट किया सॉल्व करने के बाद सेवन बाय टू आया ए थ्री थ्री वैल्यू पुट करने के बाद थ्री आया ए थ्री फोर वैल्यू पुट करने के बाद फाइव बाय टू आया ठीक है अब चलिए हमारा मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करते हैं हम लोगों ने सबकी वैल्यू तो चलिए हम लोगों ने निकाल लिया था ठीक है फोर तक हम लोगों ने निकाल लिया फाइव बाई टू आया अब हमारा देखिए ये क्या है तो मैट्रिक्स को हम लोगों ने माना था इक्वल टू मैट्रिक्स सेम आना था वैल्यू पुट करते ए वन वन का हमारा वन आया था ए वन टू वन टू आया था ए वन थ्री जीरो आया था ए वन फोर हाफ आया था ठीक है फिर ए टू वन फाइव बाई टू ए टू 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 ए टू थ्री इतना ए टू फोर वन ठीक है ए थ्री वन देख सकते हो आप वन बाय फोर आया है ठीक है सेवन बाय टू आया है थ्री टू ठीक है फिर ए थ्री 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 आया है ए थ्री फोर फाइव बाई टू आया है ठीक है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ठीक है मैं आगे की एक्सरसाइज नहीं ले रहा हूँ ठीक है इसका वीडियो नंबर टू बनाऊंगा ठीक है क्या बताऊँ रिकॉर्डिंग बार बार स्टॉप हो जा रहा है ठीक है आपको क्या बताऊँ मैं मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है ठीक है तो मैं कुछ आगे बोल नहीं सकता क्योंकि जानते हो हमारा लगभग कितने दो तीन साल का ही तो डिफरेंस होगा एक साल का या दो साल का डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज्यादा तो समझ सकते हो गुस्सा आता है तो क्या होता है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का टू बचा हुआ है ठीक है आपको दिखा देता हूँ ठीक है फाइव का टू बचा हुआ है ठीक है और सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो टोटल पांच क्वेश्चन बचे हुए हैं ठीक है थीके? और ये इसका फाइव का टू तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए आप खुद से सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चन नंबर टू आप बना के रख सकते हो फाइव का टू ये भी इजी है जैसे मैंने फाइव का वन बताया ठीक है और वो वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आप मैच कर सकते हो सही है कि गलत है ठीक है प्रेजेंटेशन आप थोड़ा अच्छा से लिखना प्रैक्टिस रहेगा ठीक है थीके? अगर आप शुरू से लिखेगा तो फाइनल एग्जाम में लिखने में आपको थोड़ा अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे प्रेजेंट करना है ठीक है पहले एनसीआर सॉल्व करिए फिर आरटी शर्मा जाइए